हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो आज का जो वीडियो है वो दिवाली का ब्लॉग का है। एक्चुअली मैंने ब्लॉग बनाने का सोचा था, लेकिन दिवाली पे इतने काम होते हैं ना कि मैंने प्रॉपर शूट नहीं कर पाई मैं। तो मैंने जो भी दिवाली के दिन खाना बनाया था ना, तो थोड़ा बहुत वो शूट किया, और जो भी थोड़े बहुत डेकोरेशन थे वो शूट किया। तो इस वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा, और एक पनीर की रेसिपी है जो आपको आगे देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इजीली और बहुत ही कम चीज़ों से बन जाती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप कुछ भी कहीं जल्दी में कुछ करना हो, जाना हो, तो आप ये पनीर की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड मुझे इंस्टा एंड फेसबुक पर फॉलो करिए। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसमें जो भी मैंने मेन्यू यहाँ पे दिखाया है ना, उसकी एक दो रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ वहाँ जाके आप चेक करिएगा। तो ये मैंने मतलब मिठाइयाँ हैं जो कि दिवाली पे लाई जाती है या बनाई जाती है, तो इसमें से भी कुछ कुछ मैंने घर पे बनाई है, जैसे कि गुलाब जामुन और ये चूरमा लड्डू। बाकी सारी चीज़ें बाहर से ही खरीद के आई हैं। तो मैं रेसिपी घर पे बनाई हूँ वो मैं शेयर कर दूँगी या लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप चेकआउट करिएगा। तो चलिए पनीर वाली रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है और पनीर लिया है मैंने 250 ग्राम। उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसको फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा दोनों तरफ से इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब ये फ्राई हो जाए तो इसको निकाल लेंगे, और फिर जो बचा हुआ तेल है उसी में बेसिक से मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि जीरा, तेज़पत्ता, सूखे लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सारे मसाले ऐड करने हैं, और इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। जब ये सारी चीज़ें थोड़ी देर भून जाए अच्छे से, तो इसमें दो बड़े साइज का प्याज है, ये मैंने ऐसे छोटा छोटा कट करके लिया है, तो इसको डालेंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे। इसमें क्या होता है ना इस वाली रेसिपी में, कि प्याज को बहुत अच्छे से एकदम गोल्डन कलर होने तक हमें भूनना है। जब प्याज थोड़ा सा भून जाए तो ये अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है, मैंने ऐसे क्रश करके लिया है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, वो ऐड कर देंगे, और सबको अच्छे से मिक्स करते हुए तब तक भूनना है जब तक कि प्याज एकदम अच्छे से भून ना जाए। तो ये प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें 3 टमाटर है, उसका प्यूरी बनाया है मैंने, वो ऐड कर देंगे, और अभी कोई मसाले ऐड नहीं करना है, बस इसको जब तक ऑयल रिलीज़ हो तब तक हमें इसको भूनना है। और ये दही लिया है मैंने, एक्चुअली ये लाइट की वजह से दिख नहीं पा रहा है क्लियर, तो 1/2 कप के करीब दही है। उसमें मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च है, वो ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाए तो ये मसाले उसमें ऐड कर देंगे। तो ये मसाले ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स कर देना है, और अगेन हमें फिर से इसे पकाना है जब तक कि सारे मसाले पक जाए, सब कुछ अच्छे से आपस में बाइंड हो जाए और इससे ऑयल सेपरेट हो जाए, तब तक पकाना है। तो मैंने पहले सॉल्ट नहीं ऐड किया था, तो मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। अब सबको अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे स्पून के सहारे मैश कर देंगे जिससे कि ग्रेवी में कुछ भी ऐसे दिखेगा नहीं, और पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने टोटल मिला के 1 कप के करीब ऐड किया था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी बनती है, आप चाहे तो बिना पानी के भी बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ढक के एकदम लो फ्लेम पे। तो ये ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है, जो पनीर फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे इसमें, और पनीर ऐड करने के बाद फिर से इसे ढकेंगे और फिर से 3 से 4 मिनट तक इसे पका लेंगे। जब पनीर पक जाए, सब ग्रेवी पक जाए, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। मैंने पहले गरम मसाला नहीं ऐड किया था, अब चाहे तो बिना गरम मसाला ऐड किए भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया है, बस गैस को ऑफ कर देंगे 1 मिनट पकाने के बाद, और ये हमारी सब्ज़ी एकदम तैयार है। ये बहुत ही देखिए बेसिक सी चीज़ों से बनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है, और बहुत ही ईजी है ये, और बस धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे और हमारी सब्ज़ी रेडी है।
और ये मैंने रंगोली बनाई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।